नाजरीन ग्रामी, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, आपके साथ कल भी एक वीडियो डिस्कस की थी कि पाक में मौसमियात की जानिब से नई वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है और आज उसी के रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है और अप्लाई फॉर्म फिल करने का तरीकाकार भी आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद फॉर्म फिल करने वाला हूँ तो आपको मुकम्मल तरीकेकार बताऊँगा तो आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वेबसाइट को पाक जॉब बैंक को ओपन किया है, तो आप भी इसको गूगल में जाकर भी सर्च कर सकते हैं और उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप इसका लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसेंट जॉब सेक्शन में आपको टॉपर मिल, तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको मिल जाएगी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट PMD जॉब 2021, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिस पर इसकी तमाम तफसीलात और टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं असिस्टेंट वैकेंट पोस्ट नेम, मैं आपको कुछ बता दूँ, असिस्टेंट है UTC कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर लोअर डिवीजन रेडियो मैकेनिक्स। फ्रेंड्स, आप इसी तरह और भी रीड कर सकते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और रेलवे डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ये इनका एड्रेस भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए जो लास्ट डेट रखी है 26 जुलाई 2021, इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है और ये इसका असल एडवर्टाइजमेंट पेपर है जिसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। फ्रेंड, एज की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 25 साल तक एज लिमिट है और एक पोस्ट में 18 साल से लेकर 28 साल तक भी रखी गया है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है www.jobs.pmd.gov.pk की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई नो का बटन दे दिया है, तो दोस्तों आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जॉब पोर्टल पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे आपने देख लेना है, यहाँ पर बहुत सारी काफ़ी सारी पोस्ट हैं जिसमें आपने अप्लाई करना हो। यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आपने उस पर किसी पे भी क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लोअर डिवीजन पर क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, तो आपने इस अप्लाई नाउ पे 7 पे क्लिक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी जो, अगर यहाँ पर आप चेंज फिर भी करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं किसी और पोस्ट में भी। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम दे देना है, फादर नेम हो गया, CNIs विद आउट डैश, मतलब कि डैशेज के बगैर, ईमेल एड्रेस आपने दे देना है। फ्रेंड्स, आपने फ़ोटो लगाना है यहाँ पर 30 MB से कम होना चाहिए तो, या 30 MB होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने फ़ोटो अपलोड करना है अपना। उसके बाद फ्रेंड्स आपने बता देना कि आप पहले से काम मजदूरी करते हैं या नहीं, तो आपने यहाँ पर बता देना है। अगर नहीं करते तो यहाँ पर नो वर्क लिख देना है। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बता देनी है फ्रेंड्स, जेंडर मेल एंड फीमेल आपने बता देना है। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर विदाउट डैशेस के देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी बताना है कि ना आप साज हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपने बता देना है। उसके बाद अपना एड्रेस बता देना है। एड्रेस बताने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना इस्लाम मज़हब बता देना है, नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है तो आपने बता देना है। उसके बाद सुबह बता देना है, आपने बता देना कि आप शादीशुदा हैं या नहीं वो बता देना है, डोमिसाइल फिर आपने बता देना है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन अपनी यहाँ पर फ्रेंड्स आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके अलावा नीचे जो आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज टेस्ट सेंटर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने, तो फ्रेंड्स आपने इस एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर भी आपने इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा वो आपने दे दी। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी इस तरह एप्लीकेशन फॉर्म का अपलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा तो आपको नेक्स्ट डेट बता दीजिएगी, उसी एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको क्या मसलात है वो आपको बता देगी कि फ्रेंड्स कब टेस्ट है कब टेस्ट नहीं है, फ्रेंड्स वो आपको आगे बता देंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं किसी और इस वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।